हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सिंपल बटर क्रीम रेसिपी। और ये बनाने के लिए एकदम ही इजी है। आप लोग ये देख रहे हो, जस्ट आप लोग ये लोग ये आप देख सकते हैं, मैंने ये अमूल का अनसॉल्टेड बटर लिया है। ये लगभग हाफ के जी मैंने लिया है। और ये मैं ब्रांड आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वाला मैंने अमूल का सिंपल जो अनसॉल्टेड बटर आता है, आई एम यूजिंग दिस अमूल अनसॉल्टेड बटर एंड यू कैन यूज एनी ब्रांड ऑफ अनसॉल्टेड बटर। जस्ट आई हैव टेकन 500 ग्राम्स ऑफ अमूल अनसॉल्टेड बटर। और ये देखिए आप लोग, ये जस्ट सिंपल एक हैंड मिक्सर है। ये मैं सिंपल वाला यूज कर रही हूँ, ये फिलिप्स का है, 300 वाट्स का है। ये आप लोग देख रहे हैं, इसको जस्ट मैं स्पीड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग स्पीड यहाँ पे है। तो मैं स्पीड 1, 2, 3 इन तीनों में मैं इसको बीट करूंगी। अभी ये एकदम सॉफ्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था। एक्चुअली आई केप्ट इन रूम टेम्परेचर। सो अभी ये ऐसा हो गया है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा हो गया। इसको मैं अभी बीट करूंगी। नाउ यू कैन सी द टेक्सचर। अभी लगभग हम लोगों ने 5 मिनट्स बीट कर लिया है। स्पीड 1 पे मैंने 1 मिनट, स्पीड 2 पे 2 मिनट्स और स्पीड 3 पे मैंने लगभग 3 मिनट्स इसको बीट किया है। लेकिन इसको और थोड़ा सा फ्लफी होना बाकी है, इसीलिए और फिर से हम लोग बीट करेंगे इसको स्पीड 3 में। अब ये थोड़ा मैंने फिर से लगभग 2 मिनट्स मैंने कर लिया है इसको बीट। अभी इसमें हम लोग वी आर यूजिंग आइसिंग शुगर। ऑलवेज रिमेम्बर यू हैव टू ऐड ओनली आइसिंग शुगर, नॉट पाउडर शुगर, बिकॉज मैनी पीपल डू दैट बट इट डजेंट वर्क एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई Always remember you have to add only icing sugar. So now I am using half cup. You can see this is half cup. Okay, I am using half cup icing sugar. We will beat again. Okay.
Now you can see we are again adding a half cup of ashen sugar. And again we'll put. अब आप लोग देख रहे हैं ये बटर क्रीम ऐसे हो गया है. लगभग हम लोगों ने ऑलमोस्ट सेवन टू एट मिनट्स मैंने इसको बीट किया है और हम लोगों ने आइसिंग शुगर टोटल 1 कप यूज किया है और हाफ कप ऐसे ब्रेक लेके दिया है. देन नाउ वी आर यूजिंग फ्लेवर. ओके, यू कैन यूज एनी फ्लेवर और एक्सट्रैक्ट. नाउ I'm using this French vanilla. This is also आप लोगों को जो भी पसंद हो ऐसा आप लोग ब्रांड यूज कर सकते हो. मैंने ये ओशोरो का वेनिला एक्सट्रैक्ट लिया है. Few drops of vanilla extract. This is also oil soluble. You can use any vanilla or any flavor extract from any brand, but it should be oil soluble. Always remember, it will give very good result actually. अभी इसको हम लोगों ने फ्लेवर और एक्स्ट्रैक्ट जो भी हो आप लोगों को देना है और इसको मिक्स करना है. और अभी हम लोग इसमें यूज करेंगे फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे. एक्चुअली this is a fresh cream from Milky Mist company. You can use any fresh cream for you can use also Amul fresh cream. It's easily available in market and this is also very easily available. And I am going to add almost 1/3 cup. Okay, 1/3 cup of fresh cream. This is 1/3 cup. Adding like this. Actually, buttercream is very easy to make. You have a perfect recipe. If you have any. A perfect recipe, it will more easy. It will be more easy actually for you. And now again, I am going to mix it together. सी द टेक्चर. अभी मैं इसको स्पैचुला से आपको दिखाती हूँ. ये ऐसा होगा और ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है. ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया है. और एक्चुअली मैंने यहाँ पे शुगर बहुत कम यूज किया है. अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो फिर आप थोड़ा सा और आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हो. मुझे ज्यादा मीठा नहीं पसंद, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही इसमें आइसिंग शुगर ऐड किया है. जैसे कि मैंने 1 कप यूज किया है. अब इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है.
और जैसे कि आप लोगों ने देखा एक्चुअली वी हैव सीन ओनली आई एम यूजिंग ओनली फोर इंग्रेडिएंट्स. फर्स्ट वन अनसॉल्टेड बटर एंड आइसिंग शुगर. दिस आइसिंग शुगर एंड ये है फ्लेवर और एसेंस. उसके बाद ये है जस्ट फ्रेश क्रीम. तो ये बहुत ही इजी है एक्चुअली, इजी टू मेक. अभी आप लोगों ने देखा ये लगभग रेडी हो चुका है. और फ्लेवर अगर आप लोगों को और ज़्यादा पसंद हो थोड़ा सा देने के लिए देन यू कैन ऐड. और ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है. ये देखिए टेस्टी और वेरी इजी टू मेक. अब इसको आप लोग जैसे भी हो यूज कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए. और मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें कलर कैसे ऐड करते हैं वो भी दिखा देती हूँ. तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कैसे कलर इसमें यूज करते हैं ऐड करते हैं ये दिखाती हूँ. ये है एक खाली ऐसे बाउल मैंने लिया है छोटा सा. इसमें मैं थोड़ा सा इसमें बटर क्रीम ले लेती हूँ. हम इसमें थोड़ा सा बटर क्रीम इसमें ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, इतना बस इतना. अभी इसमें हम लोग यूज करेंगे ये है जेल कलर. ये मैं शुगर इनका यूज कर रही हूँ फिलहाल. मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, आप उसमें से एक चूज कर सकते हैं, लेकिन वो जेल कलर होना चाहिए, ठीक है. तो नाउ आई एम यूजिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ शुगर इन पर्पल जेल कलर. ओके, जस्ट ऐसे मैंने ऐसे थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स ऐसे ले लिया है. स्पून से इसको ऐसे मिक्स करूंगा. मुझे एकदम लाइट वाला शेड चाहिए था इसीलिए मैं इसको लाइट शेड दे रही हूँ. थोड़ा सा चाहिए तो आप इसमें डार्क कलर यूज कर सकते हैं. ये आप लोग देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा और कलर दिया है. मुझे थोड़ा सा और मैं आपको कलर करके दिखा देती हूँ. जस्ट जेल कलर ही यूज किया है हम लोगों ने. अच्छी तरह से मिक्स कीजिए. मैंने अभी फिलहाल स्पून से ही इसको पर्पल कलर दिया था. ये ऐसे मिक्स हो रहा है. बहुत ही अच्छा शेड आया है. देखिए फिलहाल ये बहुत इन है, ये कलर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है. ये कलर तो देखिए इट्स अ रियली नाइस कलर. वाव. तो ये था बटर क्रीम का वेरी इजी रेसिपी. और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी घर पे ऐसे बनाएंगे. और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है मेरा ये रेसिपी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो भी एक जो भी हो आपको मिलता रहे. बाय बाय.